हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हमें इस लास्ट बटन का कोड लिखना है, कलर चूज़र। ठीक है, तो इससे हम एक कलर सेलेक्टर डायलॉग बॉक्स दिखाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका हम कोड हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मुझे इसका कोड लिखना है। ठीक है, तो अगर मुझे कलर डायलॉग बॉक्स दिखाना है तो उसके लिए जे ऑप्शन पेन क्लास का यूज़ ना करते हुए हम यूज़ करते हैं जे कलर चूज़र। ठीक है, जे कलर चूज़र क्लास का यूज़ करेंगे। इसके थ्रू आप एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि स्टैटिक फंक्शन है, शो डायलॉग। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, कुछ पैरामीटर पास कर दिए, पेरेंट विंडो बता दिया दिस, और उसके बाद एक मैसेज दे दिया सेलेक्ट कलर, और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर आए सेलेक्टेड तो उसके लिए आप यहाँ पे कलर का नाम दे देंगे। जैसे मैंने लिखा कलर डॉट येल्लो। अब मैं इसको यहाँ से अगर रन करता हूँ, ठीक है, ये तो डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से सेलेक्टेड आएगा येल्लो। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये येल्लो आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो कलर यहाँ से सेलेक्ट करूँ, ओके पे क्लिक करूँ, तो ये फ्रेम के बैकग्राउंड में ये कलर चले जाए। बट फ्रेम के बैकग्राउंड में डायरेक्टली कलर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैनल का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा गेट कंटेंट पेन। ठीक है, फ्रेम का जो कंटेंट पेन है उसको मैंने असाइन कर दिया जे पैनल के अंदर। ठीक है, यहाँ मुझे लगता है टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, तो मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया जे पैनल के फॉर्म में। जे सॉरी पैनल का पी कैपिटल रहेगा, जे पैनल। ओके, ठीक है, तो हमने एक पैनल क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, पैनल के थ्रू बैकग्राउंड कलर, जो करंट बैकग्राउंड कलर है किसका, फ्रेम का, जे फ्रेम का। बट जे फ्रेम का बैकग्राउंड कलर अब पैनल के अंदर हम पैनल के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने गेट कंटेंट पेन को असाइन कर दिया पैनल के अंदर। ठीक है, तो पी डॉट गेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर लिया, और कलर को स्टोर करना है तो कलर क्लास का वेरिएबल, कलर क्लास का हमने वेरिएबल बनाया सी नाम का। ठीक है, तो ये तो जो ऑलरेडी स्टार्टिंग में जो कलर आपको यहाँ दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये कलर असाइन हो जाएगा सी के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इस डिफ़ॉल्ट कलर को यहाँ पे रख लिया, मतलब स्टार्टिंग में जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो हमने सेलेक्टेड रख दिया। अब जो नया कलर हम सेलेक्ट करेंगे डायलॉग बॉक्स में से, वो हमने सी के अंदर असाइन कर लिया। अब सी के अंदर हमारा सेलेक्टेड कलर आ चुका है जो हमने डायलॉग बॉक्स में से लिया है। हमने चेक कर लिया, अगर हमने कोई कलर सेलेक्ट नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, हम खुद से फिर कोई कलर असाइन कर देते हैं। अगर हमने कोई कलर सेलेक्ट नहीं किया, कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमने एक कलर अपन ने यहाँ पे खुद ही से असाइन कर लिया। कलर क्लास का यूज़ करते हुए मैंने सपोज़ ग्रे कलर असाइन कर दिया, कलर डॉट ग्रे। और अगर हमने कोई कलर सेलेक्ट किया है डायलॉग बॉक्स में, जो कलर आपको दिखेंगे डायलॉग बॉक्स में, उसमें से कोई भी आप कलर जो सेलेक्ट करेंगे, तो अगर कलर सेलेक्ट करेंगे तो मैं उस कलर को बैकग्राउंड में असाइन कर दूंगा। तो मैंने लिखा पैनल के बैकग्राउंड में मुझे कलर असाइन करना है जो कि मैंने सी के अंदर रिसीव किया है, अगर वो नल नहीं है तो। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, कलर चूज़र में जाते हैं। ये आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट आपको कलर दिख रहा है जो बैकग्राउंड का कलर होता है। अब मैंने कलर यहाँ से ले लिया कुछ, ओके पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड में आ गया। दोबारा मैंने क्लिक किया तो अब ये आप देख रहे हैं रेड कलर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों आ रहा है, क्योंकि सी के अंदर हमने ये
कलर शुरू में असाइन किया हुआ है कोड में, आप देख सकते हैं सी में पहले हमने बैकग्राउंड का कलर ले लिया और असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने जो नया कलर सेलेक्ट किया उसको हमने रिसीव कर लिया सी वेरिएबल के अंदर, चेक किया नल के इक्वल नहीं है, कलर सेलेक्ट किया है तो वो बैकग्राउंड में अप्लाई सेट कर दिया जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया। अगर मैं किसी कैंसल वगैरह पे क्लिक कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर आ जाए वो मैंने यहाँ बता दिया है, ग्रे कलर आ जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।